प्रिय शिक्षार्थी हूँ मैं कौमुदी शुक्ला। आपका जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो पेपर है उसका जो ब्लॉक वन है साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, उसकी जो यूनिट थ्री पे हम जो परिचर्चा कर रहे थे जिसमें हमने महात्मा गांधी जी एज अ एजुकेशनल थिंकर हमने बात की, उसी कड़ी में अभी हम रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनका क्या एजुकेशनल फिलॉसफी है उसके बारे में हम जानेंगे। ये आपके सामने कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। वैसे आप शायद जानते भी होंगे कि आपका जो नेशनल एंथम है वो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही रचित है। फिर उसके अलावा आप ये भी शायद जानते होंगे कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर इनका ओरिजिनल नाम था। ये बहुत ही ज़्यादा एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 6 मई 1861 में ये जन्म लिए थे। 6 मई 1861 इन कैलकटा बंगाल। ही वॉज अ फेमस पोएट राइटर कंपोजर सोशल रिफॉर्मर पेंटर। ठीक है, इनके अंदर जो क्रिएटिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, भले इनका अगर आप एक परिचय अगर आप कहीं पढ़े किताबों में तो आपको पता चलेगा एजुकेशन वाइज इनको भेजा गया बाहर भी, लेकिन ये अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए थे किन्हीं कारणों के कारण, लेकिन फिर भी इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत थी। ठीक है, ही वॉज एजुकेटेड एट होम। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से थे। तो एक तो इन्होंने देखिए, जब आप इनका व्यू पॉइंट देखेंगे तो वहाँ पर इन्होंने सर्वोक्रेसी की बात की है, क्योंकि ये मतलब इनके मम्मा और पापा जो थे वो दोनों ही जो है बाहर रहते थे, तो सर्वेंट्स के द्वारा ही इनकी अपब्रिंगिंग हुई है। तो वहाँ पर जो एक सर्वेंट का जो एक वो रहता है कि वो ही मतलब पूरा दिन उसके साथ रहना और उसकी क्या क्या वो बता रहा है उसी हिसाब से काम करना, उसी हिसाब से कोड्स ऑफ कंडक्ट, तो वो उसकी बात इनकी जो भी कृतियाँ हैं उसमें भी आपको दिखाई पड़ेगी। ही ऑल्सो स्टार्टेड एन एक्सपेरिमेंटल स्कूल इन 1901 दैट वॉज नेम्ड शांति निकेतन। ठीक है, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है, वो भी इन्हीं के द्वारा फाउंडेड है। वेयर ही ट्राइड हिज उपनिषदिक आइडियल्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जहाँ पर ये जो क्योंकि ये वेदों से बहुत ज़्यादा ओतप्रोत इनकी जो फिलॉसफी है वो आपको दिखाई, भले ये नेचुरलिस्ट तो हैं ही, ठीक है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो फिलॉसफी है उसमें आपको उपनिषद और वेदों का भी एक रिजेम्बलेंस दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर वही दिया है कि जो है जो शांति निकेतन है वहाँ पर जो उपनिषदिक जो वे ऑफ पैटर्न है जो वहाँ पर बताया गया है टीचिंग लर्निंग का उसको फॉलो किया जाता है। एशियाज फर्स्ट नोबल लॉरिएट हैं ये, आप सभी जानते होंगे कि गीतांजलि के ट्रांसलेशन के लिए इनको नोबल प्राइज सबसे पहले मिला था। इनके जो भाई थे वो आईएएस की परीक्षा उन्होंने सबसे पहले जो मतलब ऐसे व्यक्ति थे जिनको जिन्होंने आईएएस की परीक्षा भी पास की थी। फिर ही वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ गुरुदेव। आपको मैंने पिछली बार ही बताया था कि जो गांधी जी थे उन्होंने इनको गुरुदेव के टाइटल से नवाजा था इन हिज ऑटोबायोग्राफी। ही गॉट द नोबल प्राइज, वो आपको मैंने बता ही दिया है। तो जैसे आपने गांधी जी को पढ़ा था वैसे ही आप आज रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ेंगे। गांधी जी के अंदर आइडियलिज्म का बहुत ज़्यादा फ्लेवर दिखाई पड़ता है और इनके अंदर नेचुरलिज्म का बहुत ज़्यादा फ्लेवर बाकी भी आपको दिखाई पड़ेगा। ह्यूमनिज्म भी है इनके अंदर, प्रैग्मेटिज्म की भी बात करते हैं। उसके अलावा जो नेशनलिज्म आप गांधी जी में देख रहे थे वो ये इंटरनेशनलिज्म के साथ कॉन्कर करते हैं, यानी ये इंटरनेशनलिज्म को फेवर करते हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसे करते हैं वो अभी आप जानेंगे। फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय जो रूल कर रही थी हमारे ऊपर, तो उसने इनको डिग्री ऑफ डीलिट एक जो है डिग्री इनको प्रदान की थी। ठीक है, या डिग्री ऑफ डॉक्टरेट भी कह सकते हैं आप, इन 1915 विच ही इवेंचुअली गेव अवे आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, क्योंकि उसी समय पे जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी थे और इन्होंने उस डिग्री को ठुकरा दिया था। फिर ही हैज एस्टैब्लिश्ड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आप जानते हैं एक शांति निकेतन है, उसके अलावा एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी है जो भी इन्हीं के द्वारा ही फाउंडेड है, जहाँ से आपने बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम सुना होगा जैसे अमर्त्य सेन है, इंदिरा गांधी जी हैं और सत्यजीत राय का नाम सुना होगा, तो ये सब वहीं के स्कॉलर्स हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी के।
ही डाइड इन 1941 और ये 1941 में ही इनका देहांत हो गया। इन्होंने जो अपनी एजुकेशनल एम्स बताए हैं वो देख लीजिए कि एक तो फिजिकल डेवलपमेंट, फिर मोरल, स्पिरिचुअल, एजुकेशन फॉर फुलनेस यानी वही कंप्लीट लिविंग की बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात की है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ से, जैसे गांधी जी क्या कहते थे कि वो हर एक चीज़ को मदर टंग, और वो कहते थे कि हमें पाश्चात्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, लेकिन ये कहते थे कि हमें अपनी आंखें हमेशा खुली रखने चाहिए, हमें अपने आर्म्स हमेशा खुले रखने चाहिए कि हम जो है वेलकम करें और सब चीज़ों से जो उनकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको ले लें। ठीक है, ये इंटरनेशनलिज्म इनकी फिलॉसफी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ टैगोर एजुकेशनल फिलॉसफी, यहाँ पर इन्होंने चाइल्ड को फुल फ्रीडम देने की बात की। जैसे नेचुरलिज्म आपको फुल फ्रीडम की बात करता है, वैसे इन्होंने भी चाइल्ड को फुल फ्रीडम देने की बात कही है। फिर मदर टंग शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मदर टंग को इन्होंने भी प्रमोट किया कि इंस्ट्रक्शन के लिए मदर टंग को ही फॉरमोस्ट होना चाहिए बेस्ड ऑन रियालिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, एजुकेशन ऐसी देनी चाहिए जो उसकी जो लाइफ की रियालिटीज हैं उससे जो है इक्वल हो सके, मतलब उससे इक्वेट हो सके, यानी जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उस एजुकेशन के थ्रू उसको कॉन्कर कर सके, ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए। एक्टिव कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं नेचुरलिज्म यही कहता है क्या, नेचर ही सबसे बड़ा सत्य है, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि नेचर को ही इसने इन्होंने फॉरमोस्ट माना। उन्होंने कहा है कि जो दोनों ही हैं, जो मैन है और जो प्रकृति है, दोनों के बीच में ही एक एक्टिव कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, फिर इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं, यानी वही है कि हमें सब चीज़ों को समझना चाहिए, सब चीज़ों को वेलकम करना चाहिए, सब चीज़ों से जो भी अच्छी चीज़ें हमें मिले उसको ग्रास्प भी करना चाहिए, ये इसकी बात करते हैं। करिकुलम, इन्होंने कहा एक्टिविटी सेंट्रिक करिकुलम की ये बात करते हैं। ठीक है, कि जो है जो भी हो वो लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करें। ठीक है, हम बच्चे को जब भी कुछ पढ़ाना है तो ऐसा नहीं कि बस बंद कमरे में हमने पढ़ा, बल्कि उसको फील्ड का एक्सपोजर देना चाहिए, एक्सकर्शंस होने चाहिए। करिकुलम शुड बी फ्लैक्सीबल, डायनेमिक एंड चाइल्ड सेंट्रिक। ठीक है, जो करिकुलम होना चाहिए वो फ्लैक्सीबल होना चाहिए। ठीक है, बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग उसको रीशेप करते रहना चाहिए। फिर उसके अलावा डायनेमिक होना चाहिए और चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ बुकिश लर्निंग। ठीक है, बुकिश लर्निंग को बिल्कुल अपोज किया है जैसा नेचुरलिज्म करता है। मदर टंग फॉर इंस्ट्रक्शन इन्होंने बोला है, सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, म्यूजिक, नेचर, मतलब आप जब इनका फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इन्होंने एस्थेटिक कॉम्पोनेंट्स की भी बात की है, कि एस्थेटिक कॉम्पोनेंट्स को भी बच्चे के अंदर, क्योंकि उसका क्रिएटिव जो एक डोमेन है उसको उसी से हम एम्पावर कर सकते हैं, तो उसके भी अपलिफ्टमेंट की बात इन्होंने कही है। एक्टिविटी लाइक डांसिंग, म्यूजिक, आर्ट, गार्डनिंग, पेंटिंग शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करने की बात कही है रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने, कि गार्डनिंग है, आपका पेंटिंग है, डांसिंग है, इस टाइप की एक्टिविटीज़ को करिकुलम में, मतलब जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्लूड करने की बात कही। फिर कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम की बात कही है, विच शुड सेटिस्फाई चाइल्ड्स एस्थेटिक, क्रिएटिव, स्पिरिचुअल एंड वोकेशनली। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम की बात ये करते हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर जी, कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारी चीज़ों को लेकर के चले, उसके वोकेशनल नीड्स को भी, उसके एस्थेटिक नीड्स को भी, उसके क्रिएटिव, स्पिरिचुअल सारे ही नीड्स को लेकर के फोकस आउट हो। फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात करते हैं, और जो आप शायद शांति निकेतन के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, तो शांति निकेतन जो स्कूल जो चल रहा है वो प्रैग्मेटिक आउटलुक को फोकस्ड है। फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग में इन्होंने क्या कहा, कि एक्टिविटी और डायनेमिक मेथड्स को इंक्लूड करना चाहिए टीचिंग में। फिर इन्होंने भी टीचर को जो है माना कि टीचर एक जो है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एजुकेशन सिस्टम का। ठीक है,
इंडिपेंडेंट स्टडी और एफर्ट्स, ठीक है, इन्होंने कहा कि लेकिन टीचर को एक इंडिपेंडेंट भी बच्चे को, मतलब बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग की बात को ये डिनाई करते हैं, ठीक है। आप इन्होंने, इनका एक फेमस कोट है, अलार्म कैन नेवर लाइट, तो वहाँ पर क्या कहा इन्होंने कि जो है आप जो इंडिपेंडेंटली भी बच्चे को थोड़ा सा करने दीजिए, रादर देन बहुत ज़्यादा उसको स्पून फीडिंग कराने से वो बच्चा टोटली डिपेंडेंट हो जाता है टीचर पे। इसकी बात की एजुकेशन इन नेचुरल सराउंडिंग कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, एजुकेशन जो भी हो वो बच्चे की नेचुरल सराउंडिंग में हो, ठीक है, जिसमें फ्रीडम भी हो उसके पास और उसके साथ ही साथ क्रिएटिविटी भी हो, ठीक है। टीचिंग वाइल वॉकिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, टीचिंग वाइल वॉकिंग का इन्होंने बात कही कि चलते चलते भी टीचिंग करनी चाहिए, ये टीचिंग का बेस्ट मेथड है। फिर लर्निंग शुड बी लिंक्ड विद जॉय एंड एक्सटेसी, यानी लर्निंग को हमेशा लिंक करना चाहिए जॉय से, फन लिविंग से, ठीक है, तो उसके थ्रू बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा। फिर लर्निंग बाय डूइंग को बोला इन्होंने। फिर जो आपके जो बेसिक जो मेथड्स हैं, जैसे फैमिलियर से अनफैमिलियर चीज़ों को पढ़ाना, नोन से अननोन को पढ़ाना, नियर टू फार, वो सब चीज़ों को ये बताते हैं। फिर ह्यूरिस्टिक मेथड, वही खोज विधि, फिर आपका लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी मेथड, डिस्कशन मेथड और टीचिंग वाइल वॉकिंग, इन सब चीज़ों की बात ये करते हैं। फिर रोल ऑफ टीचर, यानी टीचर को एक फ्रेंड भी होना चाहिए और एक फिलोसोफर भी होना चाहिए। कैसे? टीचर इज कार्डिनल एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल कार्डिनल वैल्यूज एंड आइडियाज, ठीक है, वो एक सेंटर है जिसमें सारी, मतलब वो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है जिसके अंदर सारी वैल्यूज होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ उसके अंदर सारे आइडियाज भी होने चाहिए, क्योंकि बच्चा किसी भी वक्त कुछ भी पूछ सकता है, तो वो उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहे, लेकिन बच्चे को बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग नहीं करानी चाहिए। आई हैव फाउंड दैट लिटिल चिल्ड्रन लर्न मोर क्विकली द एटीट्यूड ऑफ द टीचर देन द नॉलेज इम्पार्टेड बाय हिम। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर क्या होता है, अपने जो भी टीचर होती है उनका नकल करते हैं, ठीक है, उनकी मिमिक्री करते हैं, ठीक है, तो वो यही कहना चाहते हैं कि मुझे, मतलब उसने, उन्होंने ऐसा देखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी ही अपने टीचर का जो वे ऑफ टॉकिंग है, उनका कैसे एक्सप्रेशन है, क्या एटीट्यूड है, उस चीज़ को कॉपी आउट कर देते हैं रैदर दैन जो वो नॉलेज दे रही हैं, जो वो कंटेंट दे रही हैं। तो वो एक ये स्टेटमेंट इनका है। और फिर टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ, ये हमेशा ये बात कहते हैं कि टीचिंग इज डायरेक्टली लिंक विद द लर्निंग, ठीक है, अगर टीचर खुद पढ़ नहीं रहा है तो वो टीचिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ये इसकी बात करते हैं। टीचर अलार्म कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ओन फ्लेम, ठीक है, जो लैम्प है वो तब तक जो है लाइट नहीं दे सकता जब तक वो खुद को जलाए ना, तो इस तरीके से इन्होंने टीचर को प्रेजेंट किया है। और इन्होंने यहाँ भी कहा है कि द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर चिल्ड्रन वुड बी दैट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है, बच्चे को हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ चलते रहना चाहिए, ठीक है, वो हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ चलता है। दे शुड बी प्रोवाइडेड कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर देयर कैपेसिटीज थ्रू सरप्राइजेस ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, फिर इन्होंने नेचर इज बेस्ट टीचर, ठीक है, नेचर को ही एक बेस्ट टीचर माना है क्योंकि नेचर में जा करके बच्चा अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर आउट कर सकता है, ठीक है, अपनी सारी जिज्ञासाओं को शांत कर सकता है। फिर फ्रीडम, लेकिन उसके लिए क्या है, फ्रीडम को सुप्रीम माना है इन्होंने कि फ्रीडम देनी चाहिए बच्चे को, कंप्लीट फ्रीडम देनी चाहिए जिससे कि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसके मन में जो भी विचार हैं उनको वो वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर कर सके। फिर डिसिप्लिन की बात ये करते हैं क्योंकि ये, जैसे आपने वॉटसन का नाम सुना होगा, तो वॉटसन क्या है, वो भी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा मानते थे कि इन्वायरमेंट में, मतलब उन्होंने, तो उनका फेमस कोट भी है कि
आप मुझे चाहे जितने बच्चे दे दीजिए, मैं उनको ऐसी इन्वायरमेंट दूंगा जिसकी वजह से मैं उनको जो चाहूँ वो बना सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो नेचर और नर्चर का जो कॉन्सेप्ट है कि नर्चर इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता जितना नेचर होता है, तो ये भी उसी तरीके से बोलते हैं कि आई नेवर सेड टू चाइल्ड डू दिस और डू दिस, डोंट डू दिस, ठीक है, यानी ये करो ये ना करो, मैंने ये कभी नहीं कहा। नेवर प्रिवेंटेड देम टू क्लाइम ट्रीज और गोइंग वेयर दे वॉन्ट, ठीक है, मैंने उनसे कभी ये भी नहीं कहा कि तुम इस पेड़ पे ना चढ़ो या वहाँ मत जाओ, ये सब मैंने कभी कुछ नहीं कहा। ऑल आई वॉन्ट इज टू मेक चिल्ड्रन हैप्पी इन द एटमोसफेयर ऑफ फ्रीडम। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि जो उनको फ्रीडम का वो एटमॉस्फेयर दिया गया है, जो वो कंप्लीट फ्रीडम जिस सिनेरियो में दी गई है, उसको वो इंजॉय करें, क्योंकि इंजॉय करेंगे तो लर्न करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन में कभी भी पढ़ाई नहीं हो सकती। फिर सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, क्योंकि बच्चा कभी भी कोई गलती करेगा, मैं नेचर में गया, अगर उसको कहीं कांटा लग गया तो वो दोबारा उस जगह पर नहीं जाएगा, तो उस तरीके से ये सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं। अगेंस्ट पनिशमेंट है, पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, ये इसको भी फेवर करते हैं। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा हो, जो स्कूल है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि वो एक ओपन हाउस की तरह होना चाहिए, इन विच स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर वन, दे मस्ट लिव देयर कॉम्पैक्ट लाइफ टुगेदर, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर को वहाँ पर साथ में रहना चाहिए। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट नॉट बी अ डेड केज, ठीक है, बिल्कुल डेड केज की तरह नहीं होना चाहिए जैसा जेल होता है, इन विच लिविंग माइंड्स आर फेड विद फूड आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। वही जो मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियली फूड जो प्रिपेयर कर करके टीचर जो स्पून फीडिंग करता है उसके ये बहुत ज़्यादा खिलाफ में थे। टैगोर सजेस्टेड टू प्रैक्टिस सेल्फ डायरेक्टेड डिसिप्लिन बट नॉट इम्पोज डिसिप्लिन ऑन द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो कहते थे कि बच्चे के अंदर सेल्फ डायरेक्टेड डिसिप्लिन को जो है डेवलप करना चाहिए रादर देन इम्पोज डिसिप्लिन, ठीक है, कि हम उस जो भी डिसिप्लिन है उसको बता दें कि हाँ तुम्हें ऐसा फॉलो करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, नियम नियम बनाते बताते बताते बच्चा फेड अप हो जाएगा। फिर दैट कैन ओनली हेल्प स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ, क्योंकि जब वो सेल्फ डायरेक्टेड डिसिप्लिन को फॉलो करेगा तो उसको सेल्फ डेवलपमेंट होगा, उसका सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तो ये इसकी बात करते हैं। फिर स्कूल, वही जो मैंने आपको बताया कि स्कूल कैसा होना चाहिए, स्कूल शुड बी सिचुएटेड इन अ पीसफुल प्लेस वेयर चाइल्ड कैन कंसंट्रेट एंड बी इन ट्रू विद नेचर, ठीक है, यानी नेचर की आर्म्स में वो स्कूल होना चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट में, जहाँ पर बच्चा कंसंट्रेट कर सके और अपनी जो भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनका सोल्यूशन ढूंढ सके। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड कंजर्व एंड ट्रांसमिट द हेरिटेज ऑफ कल्चर, ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो वो जो भी हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व भी करे, उसके साथ ही साथ उसको ट्रांसमिट भी करे, ऐसा हमारा स्कूल होना चाहिए। टैगोर जी हैं, उनकी जो फिलॉसफी आपने जो भी उनका व्यू पॉइंट जो आपने जाना है उसके हिसाब से उनको इंडिविजुअलिस्ट भी माना जा सकता है, आइडियलिस्ट भी माना जा सकता है, स्पिरिचुअलिस्ट भी माना जा सकता है, ह्यूमनिस्ट, नेचुरलिस्ट और प्रैग्मेटिस्ट भी माना जा सकता है। कैसे माना जा सकता है ये हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। अब उनको इंडिविजुअलिस्ट कैसे माना जाए, ही बिलीव्ड इन गिविंग राइट टाइप ऑफ फ्रीडम टू इंडिविजुअल, ठीक है, ये हर एक इंडिविजुअल को यूनिक समझते थे कि हर इंडिविजुअल की एक यूनिक नीड है और उसको सेटिस्फाई वो यूनिक तरीके से करता है। उसके अलावा इन्होंने कंप्लीट फ्रीडम की भी बात की, इस वजह से इनको इंडिविजुअलिस्टिक या फिर आपको नेचुरलिस्ट भी माना जा सकता है। फिर आइडियलिस्ट क्यों माना जा सकता है, मैन शुड लिव फॉर द अल्टीमेट ट्रुथ विच लिबरेट हिम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है, इस वजह से इनको आइडियलिस्ट माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो अल्टीमेट ट्रुथ है उसकी भी खोज में निरंतर मनुष्य को लगे रहना चाहिए। फिर स्पिरिचुअलिस्ट क्यों माना जाएगा, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल शुड ट्राई टू अटेन स्पिरिचुअल परफेक्शन, जब तक स्पिरिचुअल परफेक्शन नहीं आएगा तब तक उसको जो सेल्फ डायरेक्टेड जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो नहीं डेवलप हो सकता उसके अंदर। एज एन ह्यूमनिस्ट इन्होंने कहा कि ही प्रीच्ड ह्यूमन ब्रदरहुड हैविंग फेथ इन फंडामेंटल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, इन्होंने
जो मैनकाइंड के भी सर्विस की बात कही है, तो वहां से इनको ह्यूमनिस्टिक भी माना जा सकता है. ही रिमार्क दैट इवन गॉड डिपेंड्स अपॉन मैन फॉर परफेक्टिंग दिस यूनिवर्स. ठीक है, जो गॉड है वो भी डिपेंड करता है ऑन हिज मैनकाइंड. ठीक है, कि वो इस यूनिवर्स को अच्छा बनाए रखे. ठीक है, क्योंकि गॉड आके यहाँ पर सारे काम तो नहीं करेंगे, वो हमें इसीलिए भेजे हैं कि हम यहाँ पर जा करके अच्छी चीज़ें करें. तो वो यही कह रहे हैं कि गॉड भी हमारे ऊपर रिलाय करते हैं फॉर मेकिंग दिस वर्ल्ड ब्यूटिफुल. फिर एज ए नेचुरलिस्ट हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ही कंसिडर नेचर एज अ ग्रेट टीचर. गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ थ्रू वेरियस फॉर्म्स कलर्स एंड रिदम ऑफ नेचर. ठीक है, तो ये जो प्रकृति की जो बात करते हैं उसमें यही कहते हैं कि गॉड ही है जो हमें प्रकृति के रूप में दिखाई पड़ता है. ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर कहा है. फिर टैगोर का जो इंटरनेशनलिज्म है, वहाँ पर इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड ब्रदरहुड की बात कही है, कि हमें हर जो है पूरे वर्ल्ड में हर एक जो है पर्टिकुलर कंट्री से जो भी उसकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो भी अच्छी वैल्यूज़ हैं, उनको हमेशा वेलकम करते रहना चाहिए, उनको हमेशा जो है ग्रास्प करने की कोशिश करनी चाहिए. फिर प्रिंसिपल्स ऑफ टैगोर्स एजुकेशनल फिलॉसफी. अब यहाँ पर जो कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए हैं अपनी फिलॉसफी में, एजुकेशनल फिलॉसफी में, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और क्रिएटिव फैकल्टीज़ के डेवलपमेंट की इन्होंने बात कही है. तो सेल्फ रियलाइजेशन में कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाए, बच्चा जो है वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाए और जाने कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत है, जो भी कर रहा है उसमें क्या सही है और क्या गलत है, उसका वो विभेदन कर सके. फिर क्योंकि जब आप नेचुरलिज्म को देखते हैं तो वहाँ पर फ्रीडम और अवेयरनेस दोनों की बात आती है, तो वहाँ यहाँ पर वही कहा गया है. फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में कहता है कि इट कम्बाइंस डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, फ्रीडम, माइंडफुलनेस, ये सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा करने की बात करता है. कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बच्चे का तभी हो सकता है जब उसके अंदर क्रिएटिविटी को हम जो है उसके अंदर क्रिएटिविटी को भर सके, क्यूरियोसिटी को भर सके, फ्रीडम, माइंडफुलनेस थ्रू विच लर्नर कैन डेवलप हिज हर लर्निंग स्टाइल एंड लीड टू परफेक्शन इन लाइफ. ठीक है, उसके थ्रू वो अपनी लाइफ में परफेक्शन को अटेन कर सकता है. और क्रिएटिव फैकल्टीज़ के डेवलपमेंट में द चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर सके, एक्सप्लोर कर सके, तो उस तरीके के लिए उसको बहुत सारे हमें जो है एक पैराडाइम्स देने चाहिए जिसके थ्रू वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. फिर फिजिकल डेवलपमेंट की भी बात कही है इन्होंने, जिसमें इन्होंने कहा है कि योगा, गेम्स, स्पोर्ट्स के थ्रू जो है बच्चे को का फिजिकल डेवलपमेंट किया जा सकता है. फिर लव फॉर ह्यूमैनिटी, यानी जहाँ पर हम अपना पूरे यूनिवर्स में हम अपना जो अवेयर सेल्फ अवेयरनेस को जो है अपना सेल्फ अवेयर हो सके कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्स में हमारी एक प्लेस है और हम इस यूनिवर्स को कैसे और ज़्यादा अच्छे तरफ लेके जा सकते हैं, तो ये उसकी बात करता है. इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ब्रदरहुड, ठीक है, वननेस ऑन द ग्लोब. ठीक है, हमको ये समझ में आया कि ये ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है, सर्विंग टू ऑल का जो कॉन्सेप्ट है, हम अपने आप को समझ सके कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने जैसे नेशन की जो प्राइड है उसको कैसे हम दिखा सकते हैं. ठीक है, तो हमारे कुछ ऐसे कर्तव्य ही होते हैं जिनको हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का भी नाम रोशन हो सकता है, तो वो सारी चीज़ों की ये बात करते हैं. फिर नेचुरल ग्रोथ इन नेचर, यानी वही चीज़ जो उन्होंने कहा कि नेचर ही अल्टीमेट जो है टीचर है और वो ही एक ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को जिससे वो नॉलेज अर्न कर सकते हैं. फिर
कोरिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की भी बात कही है, कोरिलेशन एग्जिस्ट विद गॉड मैन एंड नेचर. अ पीसफुल वर्ल्ड इज ओनली पॉसिबल व्हेन कोरिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर विल बी एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, यानी तभी हम एक पीसफुल वर्ल्ड की जो संकल्पना है उसको जो है प्राप्त कर सकते हैं जब जो एक सामंजस्य है मैन और नेचर के बीच में उसको हम एस्टैब्लिश कर पाए. फिर फ्रीडम की बातें करते हैं. ठीक है, फ्रीडम ऑफ हार्ट, फ्रीडम ऑफ विल एंड फ्रीडम ऑफ इंटेलेक्ट. सो एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन अ वे दैट इट वुड अचीव दीज फ्रीडम. ठीक है, तो ये यही कहते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ जो है विल, फ्रीडम ऑफ इंटेलेक्ट और फ्रीडम ऑफ हार्ट, ये सारी चीज़ों को हमें ऑक्यूपाई करके रखना चाहिए जिससे कि हम एक कंप्लीट फ्रीडम को गेन कर पाए. फिर द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक द चाइल्ड सेल्फ सफिशिएंट एंड टू अर्न फॉर लाइवलीहुड. यानी कहीं ना कहीं वोकेशन की तरफ भी इनका फोकस है कि चाइल्ड सेंट्रिक भी एजुकेशन होनी चाहिए और वो एजुकेशन उसको उसके लाइवलीहुड को भी अटेन करने में जो है मदद कर सके. फिर मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी बात कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारी वैल्यूज़ की बात कही, जैसे शेयरिंग, केयरिंग और कोऑपरेशन. ये सारी जो है एक मोरल और जो है आपका जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसके अंदर कंपोनेंट्स आ सके. फिर सोशल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं कि सोशल कैरेक्टर्स विच एनेबल्स लर्नर्स टू लिव लाइफ वर्दी वाइल मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप. ठीक है, तो ये सोशल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, जब हम सोशल एक जो बिलोंगिंगनेस है उसको प्राप्त कर पाए, यानी अच्छा एक सोशल जो है रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए एक दूसरे के साथ. फिर जैसे इनका एक कोट भी है कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. ठीक है, तो ये फिर मदर टंग भी इन्होंने वही कहा है कि जो है क्योंकि मदर टंग एक ऐसी होती है जिसकी वजह से बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, सेल्फ एक्सप्रेशन हो सकता है, तो उसको हमेशा जो है जो उसकी लर्निंग होनी चाहिए वो मदर टंग में होनी चाहिए क्योंकि उसी में वो कंफर्टेबल फील करता है और उसमें वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है. एजुकेशन शुड मेक द चाइल्ड एबल टू प्रैक्टिस द आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ नेशन कल्चर. ही फॉर्मुलेटेड गोल ऑफ एजुकेशन बाय सिंथेसाइजिंग द एंशियंट वैदिक एजुकेशन विद द मॉडर्न वेस्टर्न. मतलब इन्होंने दोनों ही चीज़ों को, जब आप इनकी फिलॉसफी पढ़ेंगे तो इन्होंने दोनों ही जो आपका वेदांतिक सिस्टम है उसको, उसके साथ ही जो तो मॉडर्न वेस्टर्न जो फिलॉसफी है उसको मिक्स करने की कोशिश की है कि हमें दोनों ही चीज़ों को, हमें अपनी चीज़ों को भी नहीं छोड़ना है लेकिन बाहर से अगर कोई चीज़ हमें अच्छी मिल रही है तो हमें उसको भी जो है मिक्स करके उसके बाद में बच्चे को देनी चाहिए. तो इस तरीके से ये जो है आपको टैगोर की भी जो फिलॉसफी है, एजुकेशनल फिलॉसफी, उसको भी मैंने आपको बताया है. तो आप इसको भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं. और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उसको आप चैट बॉक्स में या फिर यहाँ विश्वविद्यालय आकर के भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. धन्यवाद.